सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है देहरादून से। देखिए पूरे कुछ खेत हैं, कुछ खाली हैं। भाई साहब कल इतनी हालत ख़राब हुई है मेरी, मैं क्या बताऊँ। मैं रात भर सो नहीं पाया सही से, और पैर अभी मैं जिस सीढ़ी चढ़ के आया ऊपर, उससे सीढ़ी भी चढ़ी नहीं जा रही है, इतनी बुरी हालत हो गई है मेरी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, और मैं पी रहा हूँ अभी चाय। ये रही है हमारी चाय। तो थोड़ा चाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या एक्सप्लोर करने को होता है आज। आज तो मुझे लगता नहीं है कि मैं कहीं जा पाऊँगा, कहीं मतलब घूमने के लिए, क्योंकि मेरे शरीर के बैंड बज रखी है अभी। तो आज तो शायद मैं रेस्ट लूँगा, उसके बाद देखते हैं कल से हम कहीं जाएंगे घूमने या कुछ और करने। तो भाई अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ डिकैथलन देहरादून। दरअसल साइकिल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसकी जो शायद चैन है वो ख़राब हो गई है, इसके बीच में गैप बहुत बढ़ गया है, इसलिए ये स्केट कर रहा है बार बार। जैसे प्रेशर बन रहा है इस पर स्केट कर रहा है। तो डिकैथलन जाते हैं, सर्विस कराते हैं थोड़ी, उसके बाद क्योंकि अभी पहाड़ों में जाना है, ऊपर जाना है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में, तो इसीलिए इसे सही करवा के आते हैं। चलिए फिर। भाई साहब ये रोड इतनी सही है ना, मतलब पैडल मारने की जरूरत नहीं पड़ रही, एकदम ढलान है, साइकिल खुद ही चल रही है, मस्त मज़ा आ रहा है बड़ा। अभी ढलान से मज़ा आ रहा है, जब ये चढ़ाई होगी ना तब फटेगी सही से। देखिए यहाँ पर फ्लाईओवर के ऊपर से क्या मस्त नज़ारा दिख रहा है, पूरे पहाड़ पहाड़। बस प्रॉब्लम ये है कि अभी पूरी धुंध छाई हुई है, तो इसीलिए दिख नहीं रहे। और इस साइड ट्रेन की पटरियाँ है, वही अगर ये धुंध छटी हुई होती ना अभी, तो इतना बढ़िया दिखता ना यहाँ से, बहुत सही दिखता। तो भाई डिकैथलन देहरादून का सेकंड फ्लोर है ये, और ये है साइकिल का। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं जो अवेलेबल नहीं है, इसका ये पार्ट बोल रहे चेंज होगा, और चैन और ये मतलब पूरा सेट इसका चेंज होगा। तो देखते हैं, अभी तो नहीं है टाइम इनके पास, अब कल दिन में आना पड़ेगा, तब इसको लाना पड़ेगा, फिर चेंज हो गई। खर्चा ही खर्चा है भाई, खर्चा ही खर्चा है। और ये देखिए, ये MTB है, XC100 क्रॉस कंट्री। इसका प्राइस देखिए, ये है 95,000 की, और ये है XC120, इसका प्राइस है 1,25,000, और जो ऊपर है XC500, इसका प्राइस है 1,34,999। मतलब भाई साहब साइकिल देख रहे हो कितनी महंगी महंगी आ रखी हैं। तो भाई अपना तो काम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ना उनके पास टाइम नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मैं अभी साइकिल छोड़ूं यहाँ पर और फिर मुझे ऑटो से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 11 किलोमीटर है जहाँ पर मैं अभी रुका हुआ हूँ। तो अब कल आते हैं, देखते हैं, क्योंकि उनके पास इसका जो ये वाला पार्ट नहीं है, ये दोनों तो है उनके पास, चैन और इसका जो ये है नाम बोल गया इसका, बट वो बोल रहे हैं कि अगर मैं सिर्फ ये दो चेंज कराऊंगा तो भी उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बोल रहे तीनों चेंज कराओ आप, बट उनके पास ये पार्ट है नहीं, तो बोल रहे हैं आप दिल्ली जाके चेंज करवाना। तो देखते हैं भाई क्या होता है आगे अब, क्योंकि मुझे अगर पहाड़ में चढ़ना है, अगर पहाड़ में साइकिल ले जानी है, तो मुझे चाहिए कि वो स्किड ना करे,
क्योंकि जैसे इसमें प्रेशर पड़ रहा है वो स्किड हो जा रही है चैन सीधा। तो देखते हैं अब क्या करते हैं, अभी पहले घर चलते हैं उसके बाद सोचते हैं कुछ। तो भाई शाम के बजने वाले हैं 8 और मैं खा रहा हूँ अभी स्प्रिंग रोल। दरअसल अभी घर में कोई था नहीं तो मैंने बोला थोड़ा घूम के आ जाते हैं, तो यही स्प्रिंग रोल खा रहे हैं अभी। साइकिल की तो बुरी हालत हो रखी है, अब देखते हैं कल उसमें कितना खर्चा आएगा। लगभग 1100 की तो वही थी चैन थी और 1100 करीबन का उसका जो उसके स्पीड थे वो है, और अभी उसका जो बीच वाला जो पैडल वाला पार्ट है वो ही बोल रहे थे चेंज करने के लिए, वो तो यहाँ पर है नहीं, बट अगर वही दो अगर पार्ट में चेंज कराऊंगा पीछे वाले तो नहीं भी तो 1200 रुपये का खर्चा, सॉरी 2200 रुपये तक का खर्चा आ जाएगा। तो भाई ये राइड बड़ी महंगी पड़ रही है मुझे।